हो तो वो बन जाती है केबल। सो केबल्स में बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है टू फाइबर से चालू होता है और मेजरली यूनिट्यूब फाइबर्स 12F तक जाती है, 12 फाइबर्स तक, या मैक्स 24 फाइबर तक जाती है, क्योंकि उसके आगे अगर आप उसमें और फाइबर्स डालोगे तो वो कलर्स रिपीटेटिव होते हैं, तो वो रिपीटेटिव कलर्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसका अरेंजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मेजरली 12 फाइबर्स तक करती है। स्पेशल रिक्वेस्ट पे 24 फाइबर भी बनाई जा सकती है। वो 12 कलर्स क्या है, तो ये है ब्लू, ऑरेंज, के आसपास ही होते हैं। यूनिट्यूब फाइबर में आप 12F जब डालोगे तो आपको ये सारे के सारे 12 कलर्स सिंगल ट्यूब में मिल जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब के अंदर ये फाइबर कोर्स होते हैं, एक जैकेट होता है उसके ऊपर, ब्लैक कलर HDPE जैकेट होता है। HDPE वही मटेरियल है जो यूजुअली पाइप्स के लिए वगैरह यूज किया जाता है, वाटर पाइप्स या आपके जो फाइबर ले करने के लिए भी जो यूज करते हैं पाइप्स, वो भी HDPE पाइप्स होते हैं 32-40 या 38 के, तो वही मटेरियल उसके जैकेट पे होता है ब्लैक कलर में। ये जैकेट प्रॉपर्टीज भी FR के हिसाब से एनहांस की जा सकती है, उस जैकेट में अगर आप FR या LSZH का मटेरियल डाल दो तो उस हिसाब से वो भी मॉडिफाई किया जा सकता है। इस जैकेट में दो स्ट्रेंथ मेंबर एम्बेडेड होते हैं, वो स्ट्रेंथ मेंबर आइदर स्टील के होते हैं या फिर FRP के होते हैं। FRP इज बेसिकली नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर, वो रेजिन है, रेजिन के थ्रेड्स होते हैं, वो थ्रेड्स के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा के उसको हार्ड बनाया जाता है। सो ये हो गया बेसिक यूनिट्यूब स्ट्रक्चर अनआर्मर्ड। अब यूनिट्यूब में अगर हमको आर्मरिंग चढ़ानी है तो आर्मरिंग चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये बेसिक ट्यूब होती है उसके ऊपर एक आर्मर चढ़ता है, आर्मर के ऊपर एक वाटर स्वेलेबल टेप होती है या पॉलिस्टर टेप होती है जिससे वो टेप को अपने जो आर्मर है उसको पानी लगे तो भी, मतलब डायरेक्टली पानी ना लगे, वो टेप होती है और उसके ऊपर फिर होता है जैकेट। अब ये जो मैंने छोटा सा डॉट बनाया है इसको बोलते हैं रिपकॉर्ड। रिपकॉर्ड वही है जो वही धागा है जो हम लोग को कॉपर में भी मिलता था, जो हम लोग कॉपर का केबल जैकेट काटने के लिए यूज करते थे। इसमें भी आप देखेंगे कि ये दो डॉट्स जो मैंने बनाए हैं ये दोनों भी स्ट्रेंथ मेंबर्स हैं। सो आप अभी देखेंगे कि यूनिट्यूब अनआर्मर्ड और यूनिट्यूब आर्मर्ड, इसमें डायमीटर इंक्रीज हो गया। जो यूनिट्यूब अनआर्मर्ड होती है वो ऑलमोस्ट हम लोग 4mm से ले सकते हैं, 4mm, 6mm, डिपेंडिंग अपॉन अंदर फाइबर्स हमको कितने रखने। अगर 2 फाइबर 4 फाइबर है तो 4mm में काम बन जाता है, 6 फाइबर है तो ऑलमोस्ट 6mm से आगे बढ़ती है। जो यूनिट्यूब आर्मर्ड होती है, क्योंकि आर्मर्ड आता है उसके ऊपर एक और एक वाटर स्वेलेबल टेप आती है, तो वो 0.5 से और बढ़ जाता है। सो 6 फाइबर का अगर यूनिट्यूब आर्मर्ड केबल देखे तो ऑलमोस्ट 7.5mm का रहता है। इसके बाद आता है मल्टीट्यूब स्ट्रक्चर। जब ये कलर्स रिपीट होने होते हैं या हम लोग को फाइबर कोर्स को इजीली मैनेज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिंगल ट्यूब है वो, अब यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रेंथ मेंबर है, ये बॉडी में इसके जो जैकेट में एम्बेडेड है, तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ मेंबर है वो ये सेंटर में डाल देते हैं। FRP का होता है, ये नॉन मेटालिक होता है। नॉन मेटालिक इसलिए स्पेसिफिकली क्योंकि उसके ऊपर फाइबर के ट्यूब्स है। सो फाइबर के ट्यूब्स या फाइबर डायरेक्टली कभी मेटल के टच में आने का, मतलब हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि वो मेटल के डायरेक्टली टच में ना आए, क्योंकि मेटल कोरोजिव होता है, मेटल शार्प होता है, उसको हमेशा फाइबर को मेटल से दूर रखा जाता है डायरेक्टली। इसलिए आप ये प्रोडक्ट में भी देखोगे जो एक्चुअल फाइबर है वो बाद में जब राउट करनी है तो हम लोग प्लास्टिक वाले ट्रेज में राउट करते हैं।
सो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है 12 फाइबर का मल्टीट्यूब आर्मर्ड स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हो कि चार कोर हर एक ट्यूब में दिए गए हैं, ऐसे तीन ट्यूब्स हैं और बाकी के तीन जो है वो डमी है, फिलर्स है वो, ताकि ये सर्कल की जो मतलब टोटल सर्कुलरिटी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद में आगे का स्ट्रक्चर वही होता है, ये ट्यूब्स है, इसके ऊपर आर्मर है, वाटर स्वेलेबल टेप और फिर ये जैकेट। अब आप देखेंगे कि क्योंकि ये मल्टीट्यूब हो गई, यहाँ पे 12 फाइबर और 12 फाइबर यूनिट्यूब और 12 फाइबर मल्टीट्यूब, इसमें भी और डायमीटर बढ़ गया क्योंकि उसकी अरेंजमेंट वैसी चेंज हो गई। सो हमारा जो एक प्रोडक्ट है इसमें आप 5 mm से लेकर 18 mm तक की केबल्स एकोमोडेट कर सकते हैं। ये वॉल माउंट है 48 फाइबर्स के लिए, इसकी टोटल स्प्लाइसिंग कैपेसिटी 96 फाइबर्स है, पर ट्रे का कैपेसिटी 24 फाइबर्स का है, पर हम लोग ने अभी उसको सिर्फ 12 फाइबर लोड किया हुआ है पर ट्रे, चार ट्रे दिए गए हैं तो उसकी कैपेसिटी 96 फाइबर की स्प्लाइसिंग की है, पर हम लोग उसमें अभी 48 फाइबर्स लोड किए। ये इस तरफ से देखिए, ये जो कनेक्टर्स है ये बेसिकली इसको बोलते हैं एडाप्टर्स। ही इज निखिल दलाल फ्रॉम आवर सेल्स टीम, ही इज लोकेटेड इन पुणे इटसेल्फ। ओके, हाय निखिल। सो ये है एडाप्टर्स, ये जो ग्रीन कलर के कनेक्टर्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग एडाप्टर्स, और ये है पीछे उसमें जो लगी है ये है पिगटेल्स। पिगटेल्स का ये जो जैकेट है इसके ऊपर आप हर एक के ऊपर कलर्स दिखेंगे, ये कलर्स जो है वो इस कलर रेंज के हिसाब से है। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो ITU-T, ENSAI, ISO, ये सारे जो भी मेन बॉडीज है जिन्होंने ये फाइबर डिजाइनिंग का स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको ही ध्यान में रख के बनाया गया। ये फुल्ली लोडेड बॉक्स है जिसमें आपको ये कनेक्टर्स और पिगटेल्स जो है वो लोड प्री लोडेड आएंगे, मतलब ये फैक्ट्री लोडेड आएंगे। इसमें आपको सिर्फ आपकी केबल अंदर लेके जानी है और स्प्लाइसिंग करना है इन ट्रेस के ऊपर। अब इसमें नंबरिंग सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम शुरू होती है सबसे अंदर वाले साइड से, सबसे बॉटम से। सो बॉटम सबसे अंदर वाला, सबसे बॉटम वाला जो है वो 1 है, ऊपर की तरफ जाता है 24 के बाद यहाँ पे से फिर से 25 शुरू होता है, 25 से लेके 40। सो जो हायर नंबर्स है वो टॉप में होते हैं, जो लोअर नंबर्स है वो बॉटम में होते हैं। सिमिलरली ट्रेस के ऊपर भी आप मार्किंग देखेंगे 1-12, 13-24, 25-36 और 37-40। ये भी शुरू होता है सबसे बॉटम में 1-12, जो लोएस्ट नंबर है वो सबसे बॉटम में शुरू होता है एंड ऊपर बढ़ते जाते हैं। अभी इसकी वजह ये होती है कि आप जब फर्स्ट केबल डालते हो या फर्स्ट टाइम काम करते हो, अगर आपने ऊपर वाले ट्रे में कुछ भी स्प्लाइसिंग कर दी, आपको नेक्स्ट टाइम काम करते हो इस ट्रे को डिस्टर्ब करना पड़ता है, तो वो रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए सबसे बॉटम में हमेशा काम शुरू करना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना। अब आप इस ट्रे की पोजिशनिंग देखेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सेकंड, ये ट्रे की आप लेंथ देखिए, या फिर ये जिनको भी फाइबर के बारे में पता है जो काम कर चुके हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्लोजर के ट्रेज है। सो क्लोजर के ट्रेज इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने का रीजन ये है कि 95% ऑफ स्प्लाइसर्स इन इंडिया आर वेरी वेल अवेयर विद व्हाट क्लोजर ट्रेज आर, और उनको पता है कि इसके अंदर स्प्लाइसिंग कैसे करनी है और वो फाइबर को मैनेज कैसे करना है। इस बॉक्स को हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और भी बना सकते थे बाय यूजिंग अ स्मॉलर ट्रे, पर स्मॉलर ट्रे का ड्रॉबैक भी वही होता है कि उसमें स्पेस कम पड़ जाती है। सेकेंडली, स्मॉलर ट्रे अगर हम लगाएंगे तो हम भी बॉडी के पीछे की तरफ लगा देते हैं, तो कंपल्सरीली आपको ये प्रोडक्ट हमेशा नीचे उतार के या तो वो ट्रे के साथ पूरा नीचे उतार के उसमें स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, फिर वो वापस फिट करना पड़ता है। इसीलिए ये पोजिशन जो है, ये ड्रॉप डाउन ट्रे दिया है हम लोगों ने, और
इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन दी है ताकि ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है कोई भी काम करने के लिए। अभी अभी अगर ये आप वॉल माउंटिंग, ये वॉल माउंटिंग प्रोडक्ट है तो वॉल पे आपने लगा दिया और आपको इसमें एक बार स्प्लाइस कर दिया, फर्स्ट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर सेकंड टाइम में दिक्कत आती है। वो ये आती है कि आपको पूरा प्रोडक्ट नीचे उतारना पड़ता है स्प्लाइसिंग करने के लिए, एडिशनल फाइबर्स अंदर लेने के लिए। अब इस बॉक्स में वो प्रोविजन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिटिंग दी गई है, ये फिटिंग है, ये उसके दो स्क्रूज है, वही सेम स्क्रूज यूज करके आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। मशीन ये आराम से होल्ड कर सकता है, ये जो ट्रे है, तो आप माउंटेड पोजीशन में ही आप जो भी हाइट होगी आप सिंपली घोड़े पे चढ़ के इसको ये ट्रे यूज कर आप यहीं के यही लोकेशन पे आप स्लाइसिंग कर सकते हो। आपको ये पूरा बॉक्स उतारने की जरूरत नहीं है, ना ही कि आपको ये ट्रे उतारने की जरूरत है। इसके एक्सेसरीज में इसके जो वॉल माउंटिंग के ये जो ब्रैकेट्स है ये दिए गए हैं। एडिशनली केबल होल्डिंग की जो प्लेट है वो इस तरह से वो यहाँ पे फिटेड होती है, बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से ये प्लेट फिट होके आएगी। उसमें ये स्टड मेंबर्स आपको फिट करने रहेंगे, स्क्रू से आप निकाल के ये स्टड मेंबर्स। इस स्टड मेंबर का काम ये होता है कि ये जो सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर है वो इसमें फिक्स कर दे। उसकी बेनिफिट ये होती है कि वो स्ट्रेंथ मेंबर होती है वो पूरी केबल में दौड़ती है, तो जब भी आप वो इसमें फिट करोगे तो वो केबल को पकड़ के रखती है, होल्ड करती है। एडिशनली ये होस क्लैंप भी है जो जैकेट को होल्ड कर लेगा। इसके अलावा एग्जिट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 एग्जिट्स दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5। आपको इसमें से 5 पूरी नहीं लगेंगी क्योंकि आप इसमें से ड्रॉप केबल्स बाहर निकालोगे तो फिर ड्रॉप केबल्स और वो सब एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे 2 है और नीचे की तरफ से 4 है, नीचे 4। सो केबल एग्जिट्स के लिए भी बहुत सारा प्रोविजन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस 1-2 होल मार दिए और फिर उसमें से सब निकालो, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों साइड यूटिलाइज की है पूरी तरह से। शाफ्ट पे लगाई, शाफ्ट के अंदर लगा सकते हैं, टेरेस पे डायरेक्टली वॉल माउंट पे पोजीशन पे लगा सकते हो या फिर पोल माउंट पोजीशन में भी लगा सकते हो। अगर पोल होगा तो इसमें ये पोस्ट क्लैंप दिया गया है। पीछे जो है उसकी अरेंजमेंट है, ये छोटा वाला है वो आप एक पे भी टांग सकते हो, बड़ा जो बड़ा वाला है 16F का उसके लिए 2 लगेंगे, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पे भी उसमें भी काम हो जाता है। सो ये जो कॉम्पैक्टनेस है वो ओवर द इयर्स के एक्सपीरियंस से हमने उसको बनाया है। वो 65 रेटेड है, ये 20 रेटेड है। अब इसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे है स्प्लिटर होल्डिंग का ब्रैकेट। सो स्प्लिटर जो होता है वो एक ब्लैक कलर का बॉक्स रहेगा, एक ब्लैक कलर का बॉक्स रहेगा छोटा सा, उसमें इनपुट रहेंगे, इनपुट के केबल्स होंगे और आउटपुट के केबल्स होंगे। सो आपको 1:8 और 2:8 में सप्लाई किया हुआ है। सारे स्प्लिटर्स जो है आपके 1:8 और 2:8 के रेशियो में सप्लाई किए हुए हैं, 1 in 8 out, जैसे 2 in 8 out। 2:8 इसलिए सप्लाई किया है ताकि अगर कभी आपको रिंग बनानी हो तो रिंग भी आप बना सको। तो स्प्लिटर से यहाँ पे पैचिंग कर सकते हो, तो सो ओवरऑल ये बॉक्स जो बनता है ये स्प्लाइसिंग कम पैचिंग का बॉक्स बन जाता है।
अब इसमें से जो निकलने वाली आउटपुट्स होती है वो आउटपुट फाइबर जाती है इस तरीके के फाइबर बॉक्स में। ये 1:8 का बॉक्स है, इसमें सिर्फ इसमें एक स्प्लिटर कैपेसिटी है होल्डिंग की, एक होल्डिंग की। ये इसको बोलते हैं LGX टाइप या फिर कैसेट टाइप स्प्लिटर। वो जो उसमें जो लगने वाला है वो होगा बॉक्स टाइप, वो ब्लैक बॉक्स होता है। सो बॉक्स टाइप स्प्लिटर, ये हो गया LGX टाइप स्प्लिटर। और ये भी स्प्लिटर है, ये है ट्यूब टाइप स्प्लिटर या मिनी स्प्लिटर, ठीक है। ये भी 1:8 का ही है, ये 1 in है या 8 out है। सो ये बॉक्स भी काफी कॉम्पैक्ट है और सारे एप्लीकेशंस इसमें भी मतलब बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्प्लाइसिंग एरिया जो है, ये स्प्लाइसिंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग ने यूनिवर्सल स्प्लाइस होल्डर्स दिए। आप चाहे रिबन का भी कभी फाइबर इसमें लेके आओ तो रिबन भी इसमें होल्ड कर सकता है, या फिर स्ट्रेट जो सिंगल फाइबर है रेगुलर वो भी इसमें होल्ड हो सकते हैं। एडिशनली जो इसमें से ड्रॉप केबल्स बाहर निकलेगी जो कस्टमर के घर के अंदर जाएगी या ऑफिस के अंदर जाएगी, वो यहाँ पे होल्डिंग करने के लिए जगह स्लॉट्स दिए गए हैं। तो सिंपल मतलब वो फील्ड का सबसे सिंपल एप्लीकेशन वही होता है कि टेप मार दो, वो टेप ना मारना पड़े और सारा आपका जो स्ट्रेटनेस है और उसका रूटिंग का जो एंगल है, जो सर्कुलरिटी है, वो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे उन्होंने होल्डर्स दे दिए ताकि वो फिक्स लोकेशन पे हमेशा बनी रहे। सिमिलरली इसमें ये मिड स्पैन पोर्ट है। मिड स्पैन मतलब जब आपके पास मल्टीपल फाइबर्स की एक केबल हो उसमें से सिर्फ आपको 2 कोर्स इस्तेमाल करनी हो या 4 कोर्स इस्तेमाल करनी हो और बाकी की बिना काटे, बिना फाइबर को काटे जब आगे दौड़ानी हो, तब उसको बोलते हैं मिड स्पैन करना। तो मिड स्पैन में क्या होता है, पूरी की पूरी ये जो 6 या 4 कोर होते हैं, ये 6 या 12 कोर जो भी होते हैं, इसमें से एक ट्यूब होती है वो काटते हैं, यहाँ अंदर स्प्लाइस कर देते हैं, बाकी के 2 ट्यूब्स जो होती है वो वैसी की वैसी आगे दौड़ती है। सो ये दिया है मिड स्पैन पोर्ट, ये एक एडिशनल क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी पोर्ट है, एडिशनल का भी इनपुट केबल यहाँ पे आई तो, और ये ड्रॉप केबल आउट से। तो ये 8 है, वो वाले में 16 है। सो ये आप देखेंगे कि स्लाइटली बड़ा बॉक्स है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली बड़ा बॉक्स है, पर इसमें 16 की कैपेसिटी है, मतलब इसमें 2 स्प्लिटर लग सकते हैं। इसमें इस चीज की राउटिंग स्पेस भी डिफरेंट है, इसके चैनल्स अलग है। अब ये मैंने बेयर डाला है, एक्चुअली इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट ट्यूब आएगी। जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन फील्ड पे करोगे, जब भी ये पोर्शन आप यूज करोगे इनपुट वाली फाइबर पे आप ट्रांसपोर्ट ट्यूब डालोगे, ये है ट्रांसपोर्ट ट्यूब, ताकि बेंड ना हो, ये इसमें कभी बाय चांस फंसे नहीं, ये जो हिंज है इसमें, तो ये हमेशा इसके ऊपर पहनाना मैंडेटरी है। सो जनरली अगर आप फील्ड पे देखेंगे जो भी 16 के फैक्स आते हैं उसमें दो स्प्लिटर एक ही लोकेशन पे होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं या इस तरह साइड में साइड बाय साइड होते हैं या एक के ऊपर एक होते हैं। उसमें दिक्कत वो होती है कि उसमें राउटिंग स्पेस बहुत कम बच जाती है, क्योंकि अगर दो स्प्लिटर बाजू बाजू में आएंगे तो एक तो बॉक्स की साइज बढ़ जाती है और दूसरी बात उसके बाजू में क्योंकि एक ट्रे पर है, इस ट्रे का आप यूजेबिलिटी कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हो, उसके बाजू में राउटिंग स्पेस बहुत कम बच जाती है। इसलिए हम लोग ने ये जो स्पेस है डोर पर जो कि हमेशा खाली रहती है उसको यूटिलाइज करके हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक स्प्लिटर माउंट किया। अब क्योंकि इन दोनों के पाथ अलग अलग है
जैसे कि मैंने बताया कि आपको फ्यूचर में कभी एडिशनल लाइन डालनी हो, आप सिंपली इधर से एडिशनल स्प्लिटर डाल के इजीली आप बिना इसको टच किए, बिना इस नेटवर्क को टच किए आप आराम से नया लाइन डाल सकते हो। सॉरी इसको इनपुट कहाँ से आएगा? इसको एक ही जगह से आएगा ना इधर से? हाँ, इनपुट इनपुट तो यहीं से आएगा, केबल होल्डिंग स्पेस वही है, पर हाँ पर इते, इते लूप, ये है स्टोरेज एरिया, या यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिया है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक रूट चार्ट भी दिया होता है, इसमें नहीं है, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन के में जो आएगा उसके ऊपर ऐसे रूट चार्ट भी आएगा, तो रूट चार्ट पर से आपको वो क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे होगा। सो ये आप देख रहे होंगे, ये एक चैनल है, सो ये चैनल में से ये इनपुट जाती है, यहाँ पे एक खाँचा है, यहाँ पे साइड में, आप बाद में नजदीक से आके देख लेना, यहाँ पे एक खाँचा, ये मैंने इसलिए राउट की थी ताकि लोगों को पाथ पता चले कि कैसे है करके, तो इसमें कहीं पे वो मिक्स नहीं हो रही है, यहाँ से इस खाँचे में से सिंपली वो पीछे की तरफ चली जाती है, यहाँ पे लूप होती है और स्प्लाइसिंग के लिए आ जाती है। ये वाली जो है वो यहाँ पे एक इनपुट है, यहाँ पे एक आउटपुट का होल है, जो इनपुट वाली केबल है यहाँ से पीछे डाल दोगे, इस लोकेशन से यहाँ पे राउट हो जाएगी, यहाँ पे स्प्लाइसिंग के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो आप देखेंगे कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो सिर्फ प्लेन चेंज हो रहा है, मतलब बेंड कहीं पे भी नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है इस प्रोडक्ट का कि फाइबर कहीं पे भी बेंड नहीं करनी पड़ती। एडिशनली इसमें भी स्टड मेंबर होल्डर दिया हुआ है, ये स्ट्रेंथ मेंबर है वो होल्डिंग के लिए, यहाँ पे भी कैपेसिटी, यहाँ पे भी फीचर दिए हुए हैं, ये जो आउट होने वाले ड्रॉप केबल्स है वो यहाँ पे होल्ड हो सकते हैं, और इसके साथ जो एक्सेसरीज आती है उसमें हम लोग वॉल माउंटिंग देते हैं, जो छोटा वाला है इसमें पोल माउंटिंग भी देते हैं, जो ये 16 वाला है वो अभी तक हम लोग को वॉल माउंटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो हम लोग इसमें वॉल माउंटिंग पोल माउंटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था तो पोल माउंटिंग नहीं दे रहे हम लोग। अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टिश्यू पेपर, ट्रांसपोर्ट ट्यूब, एडिशनली स्पाइरल ट्यूब, स्पाइरल ट्यूब इसलिए क्योंकि कहीं पे बंचिंग करना हो तो बंचिंग ये ओपन है, पूरी फाइबर खोलने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको इसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। स्प्लाइस प्रोटेक्शन स्लीव्स, केबल टाइज, जनरल जो इंस्टॉलेशन मैनुअल और पैकिंग स्लिप, ये हर प्रोडक्ट में होगी। ये बड़े वाले फैट बॉक्स का, ये 16 फैट बॉक्स का राउटिंग स्टिकर है, अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी इसको अंदर चिपका सकते हो। सो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क, ये यहाँ पे OLT लगा रहेगा, अमित यहाँ का कोई लाइट है? सो मैंने 8 पोर्ट का OLT कंसिडर किया है, यहाँ पे आपका मेन लाइव नेटवर्क आ रहा है। इस OLT के आगे ये आएगा आपका 48F का BDU, आपके टर्मिनोलॉजीज में इसको BDU बोलते हैं, तो मैंने वही नाम लिखा है BDU। इसके आगे आएगा FDU,
या तो 1:8 वाला आएगा या 1:8×2 का कैपेसिटी वाला आएगा। तो आप दोनों में से, वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आप चॉइस करोगे कि ये लगाना है या ये लगाना है। स्प्लिटर एक या दो? हाँ, स्प्लिटर एक या दो ऐसे। फिर आएगा कस्टमर के एंड में CDU, सो ये बेसिकली हम लोग इसको होम टर्मिनेशन बॉक्स HTB बोलते हैं। ये दो लोकेशंस पे एडाप्टर लगा सकते हैं, मतलब प्री लोडेड आएगा एडाप्टर्स के साथ। इसके ये जो स्पेस है इसमें होगा राउटिंग ऑफ पिगटेल और ड्रॉप केबल। सो इस FDU में से जो ड्रॉप केबल आपने आउट की है वो इसमें इन होगी। अब इस बॉक्स का भी फीचर ये है कि इसमें वॉल माउंटिंग की भी पोजीशन दी गई है, या तो आप सिंगल स्क्रू पे कीजिए या फिर आप डबल स्क्रू पे करना है तो डबल स्क्रू पे भी कर सकते हैं। एडिशनली क्या होता है कि कस्टमर लोकेशन पे आपको पता नहीं होता है कि ड्रॉप केबल किस तरफ से आएगी और मेरे बॉक्स में एंटर होगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें एक फीचर दिया है कि नॉकआउट्स दिए हैं ड्रॉप केबल एंट्री के लिए, और ये चारों वॉल्स पे दे दिए। सो दो ड्रॉप केबल्स के इनपुट है चारों वॉल्स, तो आपकी फाइबर कोई भी लोकेशन से आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली नॉकआउट करके अंदर ले सकते हैं। इस टॉप साइड में यहाँ पे स्प्लाइसिंग स्प्लाइस स्लीव होल्डिंग का अरेंजमेंट दिया है। सो इसका एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है, ड्रॉप केबल अंदर आएगी, पिगटेल के साथ स्प्लाइस होकर एडाप्टर में टर्मिनेट हो जाएगी, एडाप्टर में से एक पैच कॉर्ड निकलेगी जो जाएगी ONT में। तो इसके साथ हम लोग SC APC की 2 मीटर पैच कॉर्ड भी सप्लाई कर रहे हैं अभी के आपके करंट सप्लाईज में। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा 1:8 का S1 स्प्लिटर। S1 इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी है, इसलिए स्प्लिटर नंबर 1, तो प्राइमरी स्प्लिटर आपका इस BDU में आएगा। BDU में उसका 1 इनपुट और 8 आउटपुट जाएंगे, 8 आउटपुट आपके FDU में जाएंगे, मतलब आप 8 FDU इस BDU के आगे आप 8 FDU लगा सकते हैं। एक स्प्लिटर में से इस FDU में से आपको 8 और आउटपुट निकलेंगी, 1 इनपुट होगा, 8 आउटपुट होंगी, उसमें से आप 8 CDU लगा सकते हैं। ये जो केबल है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये होगी ड्रॉप केबल जो कि 2 फाइबर्स की होगी। सो दैट कभी एक कस्टमर ने एक एडिशनल लाइन भी ली तो आपके पास एक स्पेयर में फाइबर हमेशा रहेगी वहां पे। अब ये टोटल इसमें एक होता है लिंक बजट। लिंक बजट मतलब आप जब पावर यहां से आउटपुट निकलते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं, तो वो स्प्लिट करते वक्त क्या होती है कि कम होती है, एटेन्यूएट होती है, तो वो एटेन्यूएशन का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। अब आपके OLT में से निकलेगी +3 पावर, +3 आपके OLT में से बाहर आ रही है,
प्लस 3 जाएगी 1:8 में। अब 1:2 स्प्लिटर का स्टैंडर्ड जो लॉस होता है, स्टैंडर्ड जो एटेन्यूएशन होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 10 dB। सो ये प्लस 3 है, वो हो जाएगी यहाँ पे -10 करके -7। S1 लोकेशन पे -7 हो जाएगी। एडिशनली यहाँ पे एक इनपुट कनेक्टर है, एक आउटपुट कनेक्टर है, और एक दो स्प्लाइसेस है, तो सॉरी एक स्प्लाइस है। सो टोटल उसका एक 1 dB के आसपास हम लोग पकड़ेंगे। हो गया -8। सो यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको ऑलमोस्ट -8 का पावर मिलेगा। उसके बाद में ये जाएगी FDU में। FDU में भी 1:8 का स्प्लिटर मिला है, लगाया हुआ है। सो यहाँ पे और होगा, और -10 होगा, ये हो जाएगा -18 प्लस वापस से दो एडाप्टर एक स्प्लाइस, हो जाएगा 1 dB, मतलब -19। इस लोकेशन पे आपको -19 मिलेगा। उसके बाद में ये आएगा CDU में। CDU में आपका एक एडाप्टर है, एक स्प्लाइस है, सो ऑलमोस्ट 1 dB, सो -20 तक आपका पावर नीचे आएगा। ONT जो है, ये ONT उसका भी पावर रिसीव करने का मैक्सिमम कितना लो आ सकते हैं, वो भी कैपेसिटी होता है, वो -24 एंड ऑल इज गुड। अब वो पता नहीं है मुझे कितना है आपके ONT का, कितना नीचे तक आप जा सकते हैं। सो कोई भी अगर थोड़ा भी एरर आता है या कुछ भी स्प्लाइसिंग ठीक से नहीं हुई है, थोड़ा बढ़ने के चांस होते हैं, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 1, 2, 3 मतलब 3 ही पड़ा हुआ है टोटल, और 2 ही स्प्लिटर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी 1:8 के हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टेस्टिंग। कोई बोलता है कि कस्टमर ने आपको कॉल करके बोला कि लाइन नहीं चल रही है, और लाइन नहीं चल रही है ये चेक करने के लिए सबसे प्राइमरी आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं LSPM, लाइट सोर्स पावर मीटर। आप यहाँ से, यहाँ का जो एडाप्टर है, यहाँ से अगर आप लाइट सोर्स पास करोगे, तो ये CDU लोकेशन पे आपको पावर मीटर पे पावर दिखनी चाहिए, या वो लाइट जो पूरी पास हो रही है वो लाइट दिखनी चाहिए। वो रेड, जनरली रेड कलर की लेज़र होती है, पूरी पास करोगे पूरे लिंक में से जाएगी और आपको एंड लोकेशन पे दिखेगी। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी ओके है। स्प्लिटर से कैसे दिखेगी सर? स्प्लिटर में से क्या होता है कि जब आप 1:8 में स्प्लिट करते हो, तो अगर 1 में डालोगे तो ऑटो के ऑटो में लाइट दिखेगी। ऑटो के ऑटो, सिंगल कस्टमर बंद रहेगा, हां, उन चेक करने के लिए जाएंगे स्प्लिटर, हां, आप डायरेक्ट कस्टमर एंड पे चेक करेंगे, तो बाकी कस्टमर कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, लाइट सोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये क्या फाइबर वो निकाल के वो लाइट यहाँ से अनप्लग करना है? अच्छा, तो इससे वो कनेक्टिविटी में इश्यू नहीं होगा फिर? नहीं नहीं, एक ही कस्टमर को अनप्लग करेंगे ना। ओके, हाँ नहीं, इस हाँ वहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे तो आपको पूरा मतलब नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, पर्टिकुलर अब ये साइड से वगैरह करोगे ना, ये साइड से वगैरह करोगे तो आपका, यानी सेक्शन बाय हम राइट से लेफ्ट चेक करते जाना है। बराबर, तो यहाँ से करोगे तो ये कम्प्लीटली लिंक डाउन हो जाएगा, तो आप पूरा मतलब पूरा चेक कर सकते हो। मीटर, हाँ मीटर रहना चाहिए। दो इंजीनियर लगेंगे ना, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर मतलब वो तो अभी डिपेंड करता है, वो अभी यहाँ पे लाइट सोर्स चालू करके दूसरे जगह पे जाके भी देख सकता है, यहाँ पे आप दो आदमी रखोगे। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट लेजर जब यूज कर गए तो कस्टमर एंड से कोई ना कोई स्प्लिटर तक यूज कर मोस्टली, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पे स्प्लिटर लगाया हुआ है वहाँ तो मुझे पावर पावर आ रहा है, तो पावर में कुछ लॉस है। वो अपने ऑपरेशन अपने ऊपर डिपेंड है कि भी एक को लगाना है दोनों लगाना है, वो नहीं डिसाइड कर सकते। नहीं, वो नहीं करेंगे,
बराबर यही बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ से भी लाइट सोर्स किया तो पूरे लिंक पे पास होनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी सबको समझ में आए, सबको मालूम पड़े कि क्या होता है करके, वो एप्लीकेशन आपके हाथ में। पावर जो होती है पावर मीटर में, सपोज -5 में आई और सेकेंड एंड पे सपोज -7 जा रही है, तो आपको समझ में आएगा कि 2 dB का लॉस है करके। सो वो आप लॉस भी आप चेक कर सकते हो, मतलब वो वहाँ पे उतने सेक्शन में 2 dB का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो। हर एक जॉइंट के बीच में 1 dB का लॉस चाहिए, 1 dB का लॉस ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता है, क्योंकि एक 2 adapter आ जाते हैं वहाँ पे, उसके आजू बाजू मतलब आगे पीछे एक एक कनेक्टर आता है, एक एक इस तरफ का कनेक्टर आता है, एक उस तरफ का कनेक्टर आता है। सो पूरा मिला के 1 dB पकड़ते हैं विद इंक्लूसिव ऑफ द स्प्लाइस लॉस। बाकी स्प्लाइस लॉस तो कोई हाई होता नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, 0.03 तो मैक्सिमम है एज पर। हाँ कटिंग करते हैं, क्लीविंग करेंगे उसमें। सो दैट्स इट सर। अगर लॉस बढ़ गया समझो, वो आपके वो डिपेंड करेगा, आपके एक्टिव वाला डिसाइड करेगा कि मेरा ONT कितना पावर तक चल सकता है। हाँ एक साथ मत जा रहा, एक एक करके जा रहा, बाहर जाके इकट्ठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और सीधा कहीं बात करने के लिए रुकना नहीं, सीधा बाहर। ओके बोलते जाना। ये फोटो उसका बिल्कुल अगर नाम के साथ अगर चाहिए तो ये दे सकते हैं ना, दे सकता है अभी तो यार डिजिटल जमाने में ये सब इजी हो गया है।